देखिए, मैं आम का अचार बनाऊंगी आज। ये मेरे घर के आम हैं, जो खेतों पर आम खड़े हुए होते हैं, तो आंधी आई थी, उनसे झड़ गए थे, तो उनको कामयाब करना है। वैसे अभी पक्के नहीं हुए, बिजली पड़ी हुई है, लेकिन इनका अचार बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, मैंने छी क्या सॉरी मैं साफ़ करके धो के और इनको काट लिया बीच से ही। तो इनमें मैं नमक मिला के रख रही हूँ और थोड़ी सी हल्दी मिलाऊंगी। ये 1 घंटे के लिए रखूँगी मैं, ताकि इनका जो पानी है खट्टा या जो भी निकल जाए और ये सूखे हो जाए। तो चलिए बताती हूँ बाद में। देखिए, जाली की छलनी में करके रख रही हूँ, ताकि इनका जो पानी है वो इसमें निकलता रहे। 2 घंटे के लिए रख रही हूँ मैं ढक के इसको। देखिए, अचार के लिए करते हैं मसाला तैयार। तो मैं डाल रही हूँ तेल, तेल इसमें थोड़ा सा अच्छा पड़ता है। देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है, थोड़ी सी धुआं से निकलने लगे, तो हम डालेंगे इसमें, बिल्कुल गैस को कर देंगे बंद। गैस बंद कर दी है, तो डालेंगे हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, मेथी, ये कलौंजी जो काला जीरी होती है, ये हींग है। गैस को जलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर इनको हम थोड़ा सा इनको चलाएंगे। देखिए, मैंने 2 घंटे पहले आम काट के रख दिया था, तो इसमें पानी निकल गया है, ये पानी निकल रहा है। तो अब मैं डाल इसका अचार बना देती हूँ। अब जो ये मसाला है, इसमें डालेंगे हम ये आम जो हमने नमक लगा कर रखा था, हमारा मिल चुका है, तो हम डालेंगे नमक इसमें। नमक अच्छा पड़ता है, क्योंकि खट्टापन मारता है। अगर नमक कम डालेंगे तो खट्टा ज़्यादा हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए, सारे मसाले मिलाकर हम 2 मिनट पकाएंगे इसको, बिल्कुल स्लो आँच कर देंगे। 2 मिनट पकाने से जो है ख़राब नहीं होता है, वरना 8 दिन में ही अचार ख़राब होने लगता है, फफूंदी लगने लगती है। अगर हम इनको थोड़ी देर पका देते हैं तो ये ख़राब नहीं होता है सालों साल भी। अब देखिए, अचार मेरा रेडी हो गया है, लेकिन एक सीक्रेट है, जो सोडियम बेंजोएट पाउडर होता है, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, बिल्कुल 1 चुटकी। इसको डालने से जो है अचार ख़राब नहीं होता है, 1 साल तक भी रखा रहेगा तब भी ख़राब नहीं होता है। तो इसको मिलाकर हम बस नीचे उतार देंगे। देखिए, अचार मेरा रेडी हो गया है, बिल्कुल ये उबाला नहीं था, ठंडा ही है वैसे। बस थोड़ा सा मसाला गरम किया था। मसाला गरम करने से जो है, अगर तेल में मसाला भूनते हैं तो ना तो मसाला कच्चा रहता है और ना ही अचार ख़राब होता है। तो इसलिए मैंने तेल में भूनती हूँ पहले मसाला। तो मैं भरूँगी इसे कांच के जार में। अचार हमेशा कांच के जार में ही रखना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक आजकल वैसे भी नहीं अच्छी रहती है, नुकसान देती है। सारा अचार भर दिया है, अभी मैं इसमें तेल और नहीं डालूंगी, क्योंकि तेल अगर डालूंगी तो ऊपर से उबल जाएगा और सारा ख़राब हो जाएगा, ये तेल बाहर आ जाता है अचार से। तो 5-6 दिन बाद में अगर तेल की कमी रही तब डालूंगी, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ऑलरेडी बतेरा तेल है इसमें। तो चलिए, आप ज़रूर बना कर देखिए। अगर अचार की वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो करती हूँ समाप्त।